हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रतिशतता के अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 13.4 का पांचवा प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। नगर निगम सुंदरपुर ने आवासीय भूखंडों के लिए विकास शुल्क 8 रुपये प्रति वर्ग फुट तय किया है। अगर आपके पास 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा अगर भूखंड है, प्लॉट है, तो उस पर विकास शुल्क कितना? 8 रुपये। यदि भानु प्रकाश के पास ये माप का, यानी कि 50 फीट × 30 फीट का अगर कोई प्लॉट हो, तो उसके लिए जो है कितना विकास शुल्क देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उनका जो प्लॉट का साइज है उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं भानु प्रकाश कि भूखंड का क्षेत्रफल, तो ये है 50 फीट × 30 फीट। अगर हम दोनों का गुणा कर दें, 5 × 3 = 15 और ये 00, और फीट गुणित फीट है तो इसको हम क्या लिख देंगे? वर्ग फीट लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर जो है 1 वर्ग फीट के लिए कितना रुपए? 8 रुपए। तो 1500 वर्ग फीट के लिए कितना होगा? हम लिख देंगे उसको, क्योंकि 1 वर्ग फीट के लिए विकास शुल्क कितना है? बराबर 8 रुपए। तो 1500 वर्ग फीट का विकास शुल्क अगर ज्ञात करें तो 8 × 1500 गुणा कर दीजिए, 8 × 0 = 8, 8 × 5 = 40 का शून्य हासिल 4, 8 × 1 = 8 और 4 = 12। कितना हो गया भाई? 12,000 रुपए ये जो है विकास शुल्क होगा। तो आंसर लिखेंगे उसे, यानी कि किसको? भानु प्रकाश को कितना विकास शुल्क देना होगा पूछा गया है, तो हम लिख देंगे अतः भानु प्रकाश को 12,000 रुपए विकास शुल्क देना होगा। और ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिनेश ट्रक से 37,500 रुपए का अनाज बाहर से मंगाता है। यदि अनाज के मूल्य पर 2.5% प्रवेश कर लगता है तो दिनेश कुल कितना प्रवेश कर अदा करेगा? तो यहां पर पहले तो हम अनाज का मूल्य लिख लेते हैं। तो अनाज का मूल्य कितना है भाई? अनाज का मूल्य दिया गया है हमको 37,500 रुपए। प्रवेश कर का दर कितना है? प्रवेश कर का दर हमको दिया है 2.5%। अतः प्रवेश कर किस पर लगना है? जो अनाज का मूल्य है। तो अनाज का मूल्य है 37,500, इसका जो है 2.5% प्रवेश कर लगेगा। तो हम लिख देते हैं 37,500 × ये 2.5% है, तो 2.5/100 हो जाएगा। यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 375 × अब ये दशमलव को हटाएंगे तो ये 25 बनेगा। इस दशमलव के बाद एक अंक था तो नीचे में 1 जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया 25/10। अब यहां पर 375 × 25 / क्या हो जाएगा? 10। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, 375 × 25, 5 × 5 = 25 हासिल 2, 5 × 7 = 35 और 2 × 37 = 7 हासिल 3, 5 × 3 = 15 और 3 = 18, 2 × 5 = 10 हासिल 1, 2 × 7 = 14, 1 × 15 = 5 हासिल 1, 2 × 3 = 6 और 1 = 7, 5, 7, 8 × 5 = 13 हासिल 1, 7 × 1 = 8 और 1 = 9। कितना हो गया भाई गुणा करने पर?
9375 बटे 10। 10 से यदि हम इसको भाग देते हैं तो यहाँ पर जो अभी दशमलव है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 937.5। दशमलव के बाद 5 है, यहाँ पर शून्य हम लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से प्रवेश कर हमको कितना मिला, 9,937 रुपए और 50 पैसे जो है प्रवेश कर लगेगा। तो दिनेश जो है कुल कितना प्रवेश कर अदा करेगा पूछा गया है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः दिनेश कुल 937.50 रुपए प्रवेश कर अदा करेगा, और ये हो जाता है हमारा आंसर। सातवां प्रश्न देखते हैं, यदि ग्राम पंचायत अड़सेना प्रति मकान 25 रुपए गृह कर लगाती है, प्रति मकान मतलब एक मकान में 25 रुपए जो है गृह कर लगता है, और पंचायत के अंतर्गत 216 मकान हैं, तो गृह कर से पंचायत को कितनी आय होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, चूंकि एक मकान पर गृह कर बराबर 25 रुपए, तो टोटल कितने मकान हैं, 216 मकान हैं, तो 216 मकान पर गृह कर कितना होना चाहिए, 216 गुणित 25, गुणा कर दीजिए आ जाएगा 25 चौक 100, 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150 का, यहाँ पे 0 को हम लिखेंगे, बचेगा कितना 15, 25 से कम 25, 25 और 15 कितना हो गया 40, 40 का 0 हासिल फिर कितना आ गया 4, 25 दूनी 50 और 4 54, यानी कि कितना हुआ गृह कर 5,400 रुपए। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, अतः गृह कर से पंचायत को 5,400 रुपए आय होगी, और ये हो जाता है हमारा आंसर। सातवां कंप्लीट हो गया, अब इसमें जो है आठवां एक प्रश्न बच गया है। आठवां में क्या दिया है प्रश्न पढ़ते हैं, भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य का 11% उत्पाद कर लगाती है, यदि कारखाने में एक ट्रैक्टर की उत्पादन लागत 1 लाख, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं, उत्पादन लागत, हाँ 10 और है, 1,20,000 रुपए है, तो प्रति ट्रैक्टर उत्पाद कर की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम देखते हैं लागत कितना है, लागत है 1,20,000 रुपए, उत्पाद कर का जो दर है वो कितना है 11%, तो यहां पर निकालेंगे उत्पाद कर की राशि किस पर लगेगा, 1,20,000 जो लागत मूल्य है इसका 11%, तो 1,20,000 × 11% मतलब 11/100, ये 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया भाई 1,200 रुपए, यानी कि 1,200 रुपए। तो यहां पर जो है प्रति ट्रैक्टर उत्पाद कर की राशि ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे अतः प्रति ट्रैक्टर उत्पाद कर की राशि बराबर कितना हो जाएगा 1,200 रुपए,
और ये हो जाता है आंसर। इस प्रकार आठवां भी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने जितना भी देखा है, चाहे वो गृह कर हो, उत्पाद कर हो, राजस्व कर हो, किसी भी प्रकार का कर हो, इसमें एक चीज आपको ज्ञात करने आना चाहिए, बाकी सब बनेगा प्रतिशत ज्ञात करना। और प्रतिशत ज्ञात हम कैसे करते हैं, इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया गया है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है जरूर देखिए। तो आज जो है ये 13.4 प्रश्नावली कंप्लीट होता है, और साथ ही ये चैप्टर प्रतिशतता का अनुप्रयोग कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।